जांजगीर से अगली खबर का रुख करेंगे। जांजगीर चांपा में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। दौलत की लालच में एक जीजा ने भतीजे के साथ मिलकर अपनी ही साली को मौत के घाट उतार दिया और फिर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने मामले में शामिल जीजा भतीजा सहित कुल चार लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में रिमांड पर भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि 24 अप्रैल को मृतका की बहन ने थाने में आकर उसकी छोटी बहन नीतू मित्तल के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। साक्ष्य बढ़ाने का साक्ष्य मिटाया गया इस बात कि उसने कबूल किया। उस पर से उन जगहों पर जाकर खोजबीन करने पर उसके बताए अनुसार वो डब्बे जले हुए अवशेष और कुछ पार्ट्स हमको वहाँ पर बरामद हुए। चार लोगों को चार पाँच दिन पहले से वो बोल रहा था कि मेरे से गलती हो गई है, मेरे से कुछ घटना हो गई है, मैं एक अपराध में शामिल हो गया हूँ। ये हमारे मोहल्ले में अपने दोस्त यार को, मेरे दोस्तों तक को बताया। वो 9 दिन पहले शादी हुई है। मैं अपने लिविंग मैं अपने अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा था, अचानक परसों से ये मेरे को पुलिस वाले पकड़ के लाए हैं। उसके बाद से ये सब सुनने रुके एक ब्रेक के लिए।